अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट, होप यू आर इन गुड हेल्थ। वेलकम टू एसजीएमईएस बॉयज इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, ओपन योर बुक पेज चैप्टर नंबर 20। टेल हाउ मेनी पेज नंबर 136। ओके फाइन, Tell how many. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. अब यहाँ पर क्या लिखा है? Come, let us play a game. चलो, come मतलब चलो, let us play a game together. चलो हम गेम खेलते एक साथ। You must be familiar with this. गेम तुम सब फैमिलियर हो गए ये सब गेम से, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल, सभी चिल्ड्रन क्या हो जाए, बच्चे सर्कल में खड़े हो जाए। ओके फाइन, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल, सभी चिल्ड्रन क्या करे, सर्कल में खड़े हो जाए। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून। तो क्या हो जाए, एक चाइल्ड खड़ा हो जाए सेंटर में और एक ट्यून प्ले करे, कोई भी एक म्यूजिक का ट्यून प्ले करे। एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्ले। और हर किसी को मतलब सर्कल का जो है उसके अंदर सेंटर एक लड़का म्यूजिक बजाएगा, ट्यून बजाएगा, ठीक है। और सभी बच्चे क्या हो गए, जैसे म्यूजिक चालू होगा सभी सर्कल के मैनर के अंदर रन करेंगे। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट द नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली। अब क्या होगा कि जो लड़के प्ले म्यूजिक बजा रहा था, प्ले कर रहा था, वो सडनली स्टॉप कर देगा और फिर वो नंबर्स बोलेगा, जैसे 5 हो गया 4 हो गया 2 हो गया जोर से। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नंबर्स कॉल आउट। अब इसी तरीके से बच्चों को ग्रुप बनाना पड़ेगा जो नंबर बोला है वो, जैसे अगर 5 का नंबर बोला है तो 5 लड़कों का ग्रुप, 4 बोला है तो 4 चिल्ड्रंस का ग्रुप, 2 बोला है तो 2 बच्चों का ग्रुप, ठीक है। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट जॉइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। अब जो बच्चा, जो चिल्ड्रन ग्रुप जॉइन नहीं कर सके, ग्रुप जॉइन नहीं कर सके, उन्हें क्या करना होगा, ये गेम को छोड़ देना होगा, वो आउट हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। अब कब तक ये गेम खेलना है, कि जब तक कोई एक भी स्टूडेंट बचा है, सॉरी कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम, ये गेम को कंटिन्यू प्ले करना है टिल 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। कब तक, कि जब तक कोई 2 ही बच्चे बचे रहे, ठीक है, कोई 2 ही बच्चे बचे रहे, ठीक है। नाउ क्या होगा, थिंक एंड टेल, कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड जॉइन अ ग्रुप ऑफ अ रिक्वायर्ड नंबर एंड मोर। व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड टू जॉइन अ ग्रुप। तुम क्या करोगे कि जब तुम्हें बोला जाएगा कि ग्रुप ज्वाइन करो ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, वही नंबर के, और क्यू, वाई, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप। तुम्हें कैसे महसूस होगा कि तुम कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे, तो वाई कुड यू नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, तुम क्यों ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए। इन स्कूल होम डू यू लाइक टू बी मोर विथ एंड वाई, स्कूल के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है और क्यों, ठीक है। हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन, तुम्हें कैसे फील होगा कि तुम हमेशा अकेले ही रहोगे, ठीक है। तो ये सब बातें हमें सोचनी है, ठीक है। नाउ फाइन, ऑल ऑफ अस प्रिफर टू लिव विद पीपल than to live alone.
हर किसी का एक ये क्या करता है, इच्छा होती है उसकी कि वो अकेला नहीं रहे, सबके साथ मिलकर रहे, किसी ना किसी का तो कोई फ्रेंड रहे, बराबर। वी ऑलवेज लिव इन अ ग्रुप, लेट टेल अस वन सच ग्रुप, देवेंद्र, मंजुला एंड दैट किन्वर, दिव्या एंड मानव। अब जिस तरीके से अपना स्कूल का ग्रुप है या जैसे आप ग्रुप बना रहे, वैसे ये ग्रुप है जिसके ग्रुप के नाम है देवेंद्र है, इसके अंदर एक है, एक मंजुला है और उसके दो बच्चे हैं, दो बेटे एंड देयर चिल्ड्रन दिव्या और मानव, उनके बच्चे हैं, ठीक है। हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, अब ये लोग एक दूसरे से कैसे रिलेटेबल है, कितने मिलते हैं, क्या है इसके अंदर, ठीक है ये सब, ठीक है। होल्ड ऑन दो सेकेंड, फाइन, ठीक है। द पीपल इन द पिक्चर बिलोंग टू वन फैमिली, अब ये जो पिक्चर्स है, ये जो पब्लिक, ये एक फैमिली है, ठीक है। वी ऑफन सी पिक्चर्स, वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिली, हम ऐसे ही पिक्चर्स देखते हैं, फोटोग्राफ देखते हैं, हमारी फैमिली के भी हम सेल्फीज निकालते हैं या कोई फंक्शन में रहते हैं तो तब हम फोटोज निकालते हैं, ठीक है। वेयर डू वी सी सच फैमिली, अब ऐसे हम कहाँ देखते हैं फैमिली, आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन, लेट अस रीड अबाउट फ्यू फैमिली, अब क्या सभी फैमिली एक जैसी रहती है या ये फैमिली अपनी फैमिली की तरह है, तो हम फैमिली के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। नाउ सीता, सीता लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ सिटी नेम सूरत, अब सीता एक लड़की है जो एंसेस्ट्रल हाउस किसको बोलते हैं, जो पुराने घर जो रहते हैं, जो जैसे दादा के, परदादा के, ठीक है, नाना के, उनके अब्बा के, उसको एंसेस्ट्रल हाउस बोलते हैं, जो कहाँ पर है, एक सिटी में है, वो सिटी का नाम है सूरत, यहाँ पर हम रहते हैं। हर दादा दादी यंगर काका एंड कोई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बराबर, उनके दादा, सीता के दादा दादी और उनके काका और कोई ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। इफ वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, अगर एक पोर्शन फर्स्ट फ्लोर का, सीता लिव्स विद हर फादर मदर एंड यंगर सिस्टर गीता, अब एक फर्स्ट फ्लोर का जो एक पोर्शन है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल वहां पर दो पोर्शन हो गए, दो रूम हो गए, तो उसमें से एक रूम में या एक पोर्शन में गीता किस किस के साथ रहती है, उसकी मम्मा के साथ, उसके फादर के साथ और उसके ही सिस्टर से, गीता जो है उसका नाम, उसके साथ रहते हैं। इन द अदर पोर्शन लिव हर एल्डर काका एंड हिज थ्री चिल्ड्रन, और जो दूसरा पोर्शन है, मतलब दूसरा रूम है, उसके अंदर लाइक हर एल्डर काका, उसके यंगर काका रहते हैं और तीन चिल्ड्रन रहते हैं। हर एल्डर काकी डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स अगो, और उनकी जो एल्डर काकी है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, थोड़े ही टाइम हुआ कि वो इंतकाल हो गया, जिसका वो मर गए है, डाइड डेड, ओके, कुछ ही मंथ हुए है। नाउ हर एल्डर काका एंड न्यू काकी लिव इन वन ऑफ द रूम ऑफ द टेरेस, दे आर न्यूली मैरिड, और उनके जो एल्डर काका है और न्यू काकी है, जो नई, न्यू मतलब जिनकी अभी अभी ही शादी हुई है, तो वो टेरेस के रूम पर रहते हैं, वो न्यूली मैरिड है। बिफोर डिनर सीताज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन, अब डिनर के पहले क्या करते हैं, जो सीता की मम्मी जो है, वो घर के सभी बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं, फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक बाय द सेम किचन, इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अब जो फूड रहता है, खाना जो है, पूरी फैमिली का एक ही किचन में बनता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर में है, ठीक है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट to be together at a dinner time, अब ये क्या होता है कि सभी एक अपना एफर्ट देते हैं, एक अपना
क्या कहते हैं उसको, जोर देते हैं कि हम कैसे सब साथ में बैठकर डिनर रात का खाना खाए। ठीक है, नाउडेज एल्डर का की यंगर डॉटर स्लीप विद सीताज मदर एट नाइट। अब क्या होता है कि नाउडेज मतलब अभी अभी क्या हो रहा है कि एल्डर काकी यंगर डॉटर जो काकी है, एल्डर काकी बड़ी काकी है, उनकी जो यंगर डॉटर है छोटी बेटी है उनकी, तो वो सीता की ही माँ के साथ रात में सोते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग सीता हेल्प हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और मॉर्निंग में क्या होता है कि सीता उसको हेल्प करती है स्कूल जाने के लिए। Now, tell how all are there in Sita's family. Sita ki family mein sab kaise hai? Theek hai? How is the relation between the different people in the family? Har ek family ka kya relationship hai? Theek hai? In the last one year, what are the changes that happened in the family? Aur last year mein kitna changes aaye hai family mein? Theek hai? Wo bhi hume karna hai. Now, Tara. Okay? Tara. Tara lives with her mother and Nana in Rajpur. अब Tara क्या कहाँ रहती है? उसकी मम्मा के साथ रहती है और नाना के साथ रहती है, जो राजकोट करके सिटी है वहाँ पर। Her mother Meenakshi is not married. She has adopted Tara. अब एक्चुअली हर मदर जो है उनकी, जो तारा की जो माँ है, मदर है, तो वो मैरिड नहीं है बराबर। तो फिर ये मीनाक्षी उनकी डॉटर कैसे हुई? तो she has adopted Tara. तो उन्हें तारा को गोद लिया था, क्या लिया था? उनको adopt कर लिया था। मीनाक्षी goes to the office in the morning and returns in the evening. अब जो मीनाक्षी है वो ऑफिस मॉर्निंग में जाती है और इवनिंग में रिटर्न हो जाती है जॉब से, जॉब करते है। ठीक है, जब तारा रिटर्न फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक केयर ऑफ हर। जब तारा स्कूल से आ जाती है तो उसके नाना उसका ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि इज द वन हु फीड्स हर। वो एक ऐसे है जो उसको खाना खिलाते हैं, हेल्प हर टू डू होमवर्क, और उसका होमवर्क करने में भी मदद करते हैं, एंड ऑल्सो प्ले विथ, और उसके साथ वो खेलते भी है। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ ड्यूरिंग वैकेशन ऑल और थ्री ऑफ देम गो टू पार्क ऑफ प्लेसेस एंड एंजॉय देमसेल्व्स। अब वैकेशन में क्या होता है कि वो तीनों दूर अपनी जगह से बहुत दूर घूमने के लिए जाते हैं और इंजॉय करते हैं। एट टाइम ताराज मासी माता एंड देयर चिल्ड्रन आल्सो कम टू देयर हाउस। और उसी टाइम पर जो तारा की मासी है, माता है और बच्चे, वो सब एक साथ घर में रहते हैं और खूब मजे करते हैं। एट टाइम They play together for long hours and also chit chat. और उस टाइम के ऊपर वो बहुत सारा गेम भी खेलते हैं, अपना साथ वक्त भी गुजारते हैं और बातें भी बहुत करते हैं। Think at all, who takes care of Tara and how? Tara की हेल्प ख्याल कौन रखता था और how? तो Tara का ख्याल उसके नाना रखते थे। ठीक है, कैसे? तो वो स्कूल से आते और उसको खाना खिलाते, होमवर्क करवाते, ठीक है, उसके साथ गेम खेलते। What are the things the family members do together? कौन कौन से काम है जो फैमिली मेम्बर साथ करते हैं? ठीक है, तो दे इंजॉय, दे टॉक, ओके, फाइन। अभी हम आज इतना ही चैप्टर देखेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, फाइन स्टूडेंट, हैव यू गॉट इट? Do you understand the chapter? Today we stop here just because the chapter is long and lengthy, and we will continue it in next period.
got it. अब next period में उसे continue करेगी. Got it everyone. My dear students.